सब्सक्राइब कीजिए DDN न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 के लिए नामांकन के आखिरी दिन गुरुवार यानी 18 अप्रैल को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल समेत अन्य प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। खास बात यह रही कि नागौर लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय पावर पार्टी ने उम्मीदवार उतार कर मामले को रोचक बना दिया है। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में बताएं कि क्या बोतल एक बार फिर हनुमान बेनीवाल के लिए मुश्किल बन सकती है या फिर वो नागौर से बाजी मारेंगे। गौरतलब है कि खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बोतल के चुनाव चिन्ह पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2018 लड़ा था और पार्टी के 3 विधायक चुनकर विधानसभा भी पहुंचे। गुरुवार को रापापा ने हनुमान को नागौर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। नागौर में 6 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर गुजरात की राष्ट्रीय पावर पार्टी RPP ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने के लिए बोतल का चुनाव चिन्ह मांगा था। निर्वाचन आयोग से बोतल का चुनाव चिन्ह भी मिल गया। इससे रालोपा संयोजक व नागौर लोकसभा सीट से NDA प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल की पार्टी से बोतल का चुनाव चिन्ह फिसल गया। इसके बाद बेनीवाल को टायर का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। हालांकि बेनीवाल ने इसको लेकर कहा था कि हमारे खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर साजिश की जा रही है। हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि उनके साथ राजनीतिक साजिश हुई है। विधानसभा चुनाव में हमारे 3 विधायक जीते थे, हमारे हारे हुए उम्मीदवारों को भी वोट मिले थे और यही वजह है कि हमारे लोकप्रिय चुनाव चिन्ह बोतल को छीन लिया गया है। बेनीवाल का आरोप था कि जिस राष्ट्रीय पावर पार्टी ये चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है उस पार्टी ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। बेनीवाल ने कहा था कि राष्ट्रीय पावर पार्टी का दावा है कि 2 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं जबकि अभी तक उसने चुनाव नहीं लड़ा है। गौरतलब है कि हाल ही में BJP ने राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP से गठबंधन कर नागौर से उन्हें प्रत्याशी बनाया था। भाजपा ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से नागौर की सीट RLP के लिए छोड़ी है। इस सीट पर विधायक बेनीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे हनुमान बेनीवाल का BJP से पुराना नाता रहा है। साल 2008 में वे BJP के टिकट पर चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे थे। 2013 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2018 से पहले बेनीवाल ने अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाई जिसने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।